अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का लेक्चर थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि जो एस्पायरेंट सीएसएस और पीएमएस की तैयारी कर रहे होते हैं वो साथ साथ वन पेपर एग्ज़ाम जैसा कि असिस्टेंट डायरेक्टर नैब, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, सब इंस्पेक्टर इन एफआईए और सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस और इस तरह के दीगर एग्ज़ाम्स के लिए भी अपनी लक ट्राई करते रहते हैं। तो रिसेंटली अभी सब इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यूज दे आर इन प्रोसेस, उसके लिए मैंने सोचा कि इसी फोरम से एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि जो स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनकी रहनुमाई हो। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है उनके लिए जो कि पंजाब पुलिस को सब इंस्पेक्टर लेवल पे ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये लेक्चर खास तौर पे अहमियत का हामिल है और खसूसी तौर पे वो एस्पायरेंट्स जो कि रिटर्न एग्जाम पास कर चुके हैं सब इंस्पेक्टर का एंड दे आर विलिंग टू एंड दे आर गोइंग टू अपियर फॉर इंटरव्यू नाउ। दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, तो इसमें हम जनरली इसको देखेंगे। इस एक बात मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर को सुनने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे ही चैनल का लेक्चर नंबर 62 सुनेंगे जो कि सीएसएस और पीएमएस के लिए बनाया गया है, सीएसएस और पीएमएस के इंटरव्यू के लिए और स्पेशली सीएसएस 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए अपियर हुए थे और अभी उनका बल्कि रिजल्ट भी आ चुका हुआ है उनके लिए मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। वो जनरल उसमें गाइडलाइन हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, वो सबके लिए एक जैसे हैं, तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। लिहाजा इस लेक्चर को जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो लाजमी तौर पे लेक्चर नंबर 62 भी देखें और लेक्चर नंबर 83 भी देखें, वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। लेक्चर 83 में डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल कैसे तैयार करनी है उस हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है और लेक्चर 62 में सीएसएस के इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मवाद मौजूद है और तकरीबन 90% जो कंटेंट है वो इससे मिलता जुलता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी या इंटरव्यू की तैयारी का डिफरेंस ये आ जाता है कि जो पुलिसिंग रिलेटेड क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है आपको और फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहाँ पे ज़रा कम होता है क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज दी एग्ज़ाम और इंटरव्यू ऑफ सब इंस्पेक्टर, तो इसका डिफिकल्टी का लेवल वो नहीं होता जो कि सीएसएस या पीएमएस का होता है। तो अगेन यू शुड आल्सो विजिट दिस चैनल एंड वॉच लेक्चर नंबर 62 एंड 83 और मैं कोशिश करूंगा आखिर में एक दे दूं उनका लिंक भी आपको इस लेक्चर के आखिर पे दे दूंगा। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो होगा अपियरेंस, हॉबीज, राइटिंग ऑटोबायोग्राफी, कमांड ऑन इंग्लिश स्पीकिंग, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सप्लेनेशन, कन्वर्सेशनल एबिलिटी, इंट्रोड्यूस कैसे कराना है आपने अपने आप को, डिग्री क्वेश्चन, और ये सबसे अहम क्वेश्चन होता है कि आपकी जो एजुकेशनल डिग्री है उसका पुलिसिंग कैरियर से क्या ताल्लुक है, प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस क्वेश्चन, स्विचिंग, क्या आप अपने कैरियर को क्यों स्विच करना चाह रहे हैं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन आ सकता है। जनरल नॉलेज टोकन क्वेश्चन हो सकते हैं, ओपिनियन क्वेश्चन हैं, ग्लोबल अफेयर्स, नेशनल इश्यूज, इकोनॉमी क्वेश्चन, फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, क्वेश्चन रिलेटेड टू योर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट को आपने जो तैयार करना है उसके लिए लेक्चर नंबर 83 जरूर देखें जो कि रिसेंटली मैंने अपलोड किया है। क्वेश्चन रिलेटेड टू योर परफार्मा, अगर आपने कोई परफार्मा जमा कराया है तो उससे मुतलका काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पैनल, आई कंटेक्ट। तो ये होगा हमारा सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, रेपिटेशन नहीं करूँगा। अगेन आपको वो लेक्चर 62 और 83 सुनने पड़ेंगे, उसके बाद आप इस लेक्चर की तरफ आएंगे क्योंकि यहाँ पर मैं रश करूँगा, जल्दी जल्दी रिलेवेंट बातें करूँगा और वही बातें करूंगा कि रेपिटेशन ना हो पिछले लेक्चर्स के साथ। अपीयरेंस, फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए, टाई कलर हमेशा कंट्रास्ट में होता है, इसको दुरुस्त कर लें, ये जरा एक स्पेलिंग मिस्टेक है, टाई कलर मस्ट बी इन कंट्रास्ट।
डार्क कलर का सूट अगर आप पहनते हैं तो आप शर्ट लाइट कलर की होनी चाहिए, और ब्लैक शूज लेसेस वाले, और फुल सॉक्स, एंकल सॉक्स आपने नहीं पहननी। बाकी चीजें आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं। जो पर्सनैलिटी आप चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू में नजर आए, वही पर्सनैलिटी आप अपने बताने की कोशिश करें। इंटरव्यू में आपको एनर्जेटिक होना चाहिए, प्लेजेंट होना चाहिए, एक कंपोज एंड काम लुक आनी चाहिए। तो आप अपनी रियल लाइफ में अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करें। फिर अगली चीज है कि आप इंटरव्यू में जाने से पहले अपना एक एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करें, अपना एक साइकोलॉजिकल टेस्ट खुद ले लें। सबसे पहले ये है कि आपकी स्ट्रेंथ आपको पता हो, वीकनेसेस आपको पता हो। वीकनेसेस वो होनी चाहिए जो आपकी जॉब में रुकावट ना हो। ऑब्वियसली इफ यू आर लेजी पर्सन, तो ये एक ऐसी वीकनेस है जो कि एक नेगेटिव ट्रेड है कि आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो वीकनेसेस, कंट्रीब्यूशंस क्या हैं आपकी, जहाँ पे आपने काम किया पिछली, आपका जॉब एक्सपीरियंस में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हुआ अगर आपकी है। अचीवमेंट्स को देख लें, क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी, हॉबीज क्या है, डिसीजन दैट चेंज योर लाइफ, रिग्रेट्स क्या है लाइफ में, फेवरेट बुक्स कौन सी हैं, पर्सनैलिटी जो इंस्पायर्ड यू एंड द लाइक पर्सन। अगर आपका साइकोलॉजिकल क्वेश्चन हो तो उस तरह के आपको थोड़ा फ्रेम ऑफ माइंड में चीजें ये आपकी होनी चाहिए। हॉबीज के लिए गाइडलाइन ये है कि ऐसी हॉबीज होनी चाहिए जो कि वाकई आपकी हॉबीज हो। मतलब यहाँ पे झूठ इसलिए नहीं चलता कि आप अपनी हॉबी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। लेट से अगर आप कहते हैं कि रीडिंग इज योर हॉबी, और आपने आखिरी किताब जो पढ़ी हो वो 3 महीने पहले पढ़ी हो, तो ये बात जस्टिफाई नहीं होती। पैसिव हॉबीज को अवॉइड करें क्योंकि इट डजेंट मेक एनी गुड इंप्रेशन। मसलन आप वाचिंग वीडियो गेम्स है, नेट सर्फिंग है, लिसनिंग म्यूजिक है, ये एक पैसिव हॉबी हॉबी है। फिर आप इट इज बेटर टू हैव हॉबीज विच आर रिक्रिएशनल, फिनेंशियली प्रोडक्टिव, हेल्दी, गिव मेंटल पीस, कीप्स यू एक्टिव, स्पोर्ट्स, गार्डनिंग, एक्सरसाइज, राइटिंग, रीडिंग जैसे कि मिसालें हैं। लेकिन इसमें एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर आप ये कहते हैं कि क्रिकेट प्लेइंग जो है मेरा हॉबी है, तो क्रिकेट के जो हिस्ट्री है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं कि खिलाड़ियों के बारे में, मुख्तलिफ जो सीरीज हैं उनके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, क्रिकेट के बारे में, स्टेडियम्स के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ल्ड कप जो भी एक क्रिकेट के रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरह अगर आपका हॉबी जो है वो फुटबॉल है, तो फिर इवन क्रिकेट के बारे में बात कर दूं कि बैट का जो लकड़ी है, जो गेंद का कुतर है, उसके इन तमाम टेक्निकल क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगर फुटबॉल है तो उसकी ग्राउंड की पैमाइश, अगर आप लॉन टेनिस के प्लेयर हैं तो उसमें ग्राउंड की पैमाइश क्या होती है, उसमें गेंद का वजन क्या होता है, ये तमाम टेक्निकल क्वेश्चन। फिर उन खिलाड़ियों के बारे में क्वेश्चन, यानी उस गेम को ना सिर्फ आप खेलना आना चाहिए बल्कि उसके बारे में टेक्निकलिटीज का भी पता होना चाहिए, उसकी डिफरेंट, उसके बारे में जनरल नॉलेज उस गेम को वो आपने तैयार करना है। ऑटोबायोग्राफी, अच्छा अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो उनसे कहा जाता है कि आप ऑटोबायोग्राफी लिखें या अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपने अपना ब्रीफ सा इंट्रो देना है कि माय नेम इज मोहम्मद असलम या जो भी है, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। अच्छा, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं होती कि आपने प्राइमरी जमात कहाँ से पास की, मिडिल कहाँ से किया। कोशिश करें कि अगर आप जो है अपनी जो हाईएस्ट डिग्री है वो बताएं कि आपने जो लेट से ग्रेजुएशन कहाँ से की, मास्टर कहाँ से किया। अगर ग्रेजुएशन की डिग्री से अबव आपने पढ़ना है। हाँ, अगर आप जूनियर क्लासेस में यानी मैट्रिक और इंटर में किसी बहुत अच्छे इदारे से पढ़े हैं तो फिर उस इदारे का नाम मेंशन कर दें, तो वो आपके लिए बेहतर है, अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर आप रूटीन से कहीं से पढ़े हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, किसी लोकल कॉलेज से पढ़े हैं, देन इट इज देयर इज नो नीड टू मेंशन दैट। सिर्फ आप अपनी ग्रेजुएशन जो डिग्रीज हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके बारे में ही बात करें। फिर आप प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस कोई है उसके बारे में बात करें, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दें, अचीवमेंट्स आप अपनी बताएं, व्हाई आई एस्पायर टू बिकम ए पुलिस ऑफिसर, लार्जर गोल्स क्या हैं लाइफ में, क्या करना चाहते हैं। तो ये आपका इस तरह का आपका इंट्रो होना चाहिए।
फिर आगे आता है कमांड ऑन इंग्लिश स्पीकिंग. अक्सर जो एस्पायरेंट्स हैं दे आर वेरी वीक इन इंग्लिश स्पीकिंग. इंटरव्यू के लिए याद रखें कि आपका इंटरव्यू जो है वो सबसे जो 90% फ्लॉ आपके अंदर मोस्टली कैंडिडेट्स में होता है वो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती. उनका नॉलेज बेस अच्छा होता है बट दे हैव नो कमांड ऑन इंग्लिश स्पीकिंग एंड द रीज़न इज दैट लैक ऑफ प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे. थिंकिंग माइंड होना चाहिए. शीशे के सामने बैठ जाएं और खुद अपने ऊपर क्वेश्चन करें और खुद ही जवाब दें और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और उसको सुने. आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती करते हैं, कोई ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं, पंक्चुएशन प्रोनंसिएशन की मिस्टेक्स करते हैं या क्या मिस्टेक्स हैं आपकी. तो प्रैक्टिस से आपका जो जवाब देने की सलाहियत है, बोलने की सलाहियत है वो बेहतर होगी. ये बात हम कर चुके हुए हैं इस कन्वर्सेशनल एबिलिटी के बारे में. यू कैन रेफर टू द लेक्चर नंबर 62. ये सेम वही तरीका है अपने आप को जो हमने ऑटोबायोग्राफी कहा था. सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए शायद आपको ऑटोबायोग्राफी ना कहें, लेकिन वही ऑटोबायोग्राफी जो आपने लिखी होगी, आप जब आपसे पूछा जाए कि आप इंट्रोड्यूस कराएं तो आप वही इंट्रोडक्शन अपना बता सकते हैं. डिग्री क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको अपनी डिग्री के बारे में पता होना चाहिए और क्यों स्विच कर रहे हैं, क्यों उसमें आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर कि आपकी डिग्री आपको पुलिसिंग करियर में कैसे हेल्प करेगी, ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है. प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस, इसका आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि वाई यू आर स्विचिंग कैरियर. सबसे अहम जो मैं अब आपसे बात करने लगा हूँ और इस इंटरव्यू के लिए खास बात है, वो ये क्वेश्चन है, पुलिस रिलेटेड क्वेश्चन, कि जिस महकमे को आप एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए. उसके लिए सबसे अहम सोर्स है पंजाब पुलिस की वेबसाइट. आप गूगल पे जाएं, पंजाब पुलिस की वेबसाइट ओपन करें और उसको थॉरली स्टडी करें कि पंजाब पुलिस का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, आईटी के इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए हैं. आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी. स्ट्रेंथ क्या है पंजाब पुलिस की, और उसको अपने नोट्स बना लें, उसको नोट डाउन कर लें. फिर दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है वो है आईटी इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय दी पंजाब पुलिस, क्योंकि पंजाब पुलिस वो इदारा है जिसने आईटी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपनी पुलिसिंग फंक्शन में, बहुत ज़्यादा हेल्प ली है. उसकी बहुत बड़ी मिसाल फ्रंट डेस्क हैं. फ्रंट डेस्क थाने के अंदर बने हुए हैं. आप जाते हैं, आपका पहला इंट्रैक्शन होता है फ्रंट डेस्क पे, जो आईटी के ऑफिसर बैठे होते हैं, दे आर आईटी ग्रेजुएट्स. तो वो आपको आपसे जो आपकी एप्लीकेशन लेते हैं उसकी आपको रसीद देते हैं कंप्यूटराइज्ड. फिर इसमें दूसरी चीज़, इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं कि आप ऑनलाइन FIR आप हासिल कर सकते हैं, आप FIR की कापी हासिल कर सकते हैं. फिर पूरा थाने का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड है. फिर आपका जो थाने की नफरी है वो रिकॉर्ड सारा कंप्यूटराइज्ड है, जिसको HRMS कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें अगर आप, यानी सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड है, इसमें अगर आप 15 पे कॉल करते हैं तो आपको एक मैसेज मिलता है कि आपकी जो दरख्वास्त है, आपकी जो कॉल है या आपकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज हो गई है, किसी को मार्क हो गई है. फिर आप जो दरख्वास्त देते हैं उसका भी मैसेज आता है कि आपकी दरख्वास्त के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, वो आपको एक मैसेज के जरिए पता चलता है. तो ये सारा आईटी इनिशिएटिव्स है. फिर खिदमत मराकज़ हैं, ये भी मुख्तलिफ जगहों पर बने हुए हैं, बहुत सारी सर्विसेज जहाँ पर भी मिल रही हैं, इनको भी विजिट करना चाहिए. आप जाएँ वहाँ पर जाके पूछें कि कौन कौन सी सर्विसेज जहाँ से जो पब्लिक है उनको मिल रही है. इनका कंसेप्ट ये था कि थाने से दूर लोगों का जो थाने से इंट्रैक्शन से कम करने के लिए बहुत सारे जो सर्विसेज हैं, जैसा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जैसा कि किसी का कोई डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है तो वो अपनी गुमशुदगी का इंदराज कराता है, लॉस कोई रिपोर्ट करना, तो ये चीज़ें जो हैं आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है. आप खिदमत में आकर चले जाएँ तो वहाँ से आपको ये सारी रसीदें मिल जाती हैं, वहाँ पे आपका सारा इंदराज हो जाता है. आपने कोई गाड़ी का चेक करना है कि ये गाड़ी मैंने ख़रीदनी है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती हैं. मज़ीद आप इनको विजिट करके भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं. फिर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी लाहौर, ये एक इनिशिएटिव है हुकूमत पंजाब का, जिसमें
जो शहर की वीडियो सर्विलेंस और 15 कॉल टेकिंग का प्रोसेस होता है यहाँ पे। कंसेप्ट ऑफ बॉडी कैम्स और पुलिस स्टेशन कैमराज, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये भी एक आईटी इनिशिएटिव है कि पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में बॉडी कैम्स लगाना और पुलिस स्टेशन के अंदर कैमरे लगाना, ताकि जो थाने में शिकायत आती है कि लोगों के ऊपर तशद्दुद होता है, उसके ऊपर एक चेक रखा जा सके। थाने के अंदर जो कस्टोडियल डेथ्स का इशू है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये बहुत वेलकम स्टेप है बॉडी कैमराज का और पुलिस स्टेशन के अंदर कैमराज लगाने का, कि थाने के अंदर क्या हो रहा है वो सारी की सारी एक जो आईजी ऑफिस है वहां तक फीड जा रही होती है। हर थाने के अंदर क्या हो रहा है, उस कैमराज की जो फीड है वहां तक रिपोर्ट हो रही होती है। थाना कल्चर क्या है, इसके बारे में इसको जरूर सर्च करें। व्हाट विल यू डू टू रिफॉर्म द थाना कल्चर? थाना कल्चर बेसिकली लोगों के अंदर जो खौफ है और थाने के बारे में, और जो थाने जाने से घबराते हैं बिकॉज ऑफ दी मिसबिहेवियर, और जो वहां पे उनको उनके अंदर परसेप्शन है कि थाने में हमारे से अच्छा सलूक नहीं होता, कि थाने के अंदर जो सफारश का कल्चर है, लोगों की जायज बात ना सुनने सुन जाना, इस सारी की सारी जो एक परसेप्शन है या इस सारी की सारी जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है, इसको रेफर किया जाता है एज ए नेगेटिव कनोटेशन थाना कल्चर। थाने के अंदर जो बैड बिहेवियर है ऑफ द पुलिस ऑफिसर स्टाफ, पुलिस ऑफिशियल का पब्लिक के साथ, इसको जो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में आप थाना कल्चर कह सकते हैं, नेगेटिव कनोटेशन है, और इसको कैसे आप इम्प्रूव करेंगे। मेजर कंप्लेंट्स ऑफ पब्लिक अगेंस्ट पुलिस क्या है? मिसबिहेवियर, करप्शन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एसएचओज, आईओज, रिफ्यूजल टू रजिस्टर द क्राइम इन द केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो है पूछी जाएंगी आपसे। वाई आर यू ज्वाइनिंग पुलिस, वाई आर यू ज्वाइनिंग पंजाब पुलिस, आप क्या बेहतरी लेके आएंगे। फिर हायरार्की ऑफ द पुलिस आप देख सकते हैं। फिर आता है पुलिस एक्ट 1861, कि ये क्या है। इसको बाद में इसके तहत रूल्स आए थे, पुलिस रूल्स 1934, फिर पुलिस ऑर्डर 2002 आया, जिसने पुलिस एक्ट 1861 को पंजाब में रिपील कर दिया, और अब पुलिसिंग फंक्शन जो है पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत चल रहे हैं। लेकिन इसमें नए चुके रूल्स अभी तक अप्रूव नहीं हुए, लिहाजा पुलिस रूल 1934 के साथ ही काम चलाया जा रहा है। एक बात बता दूं मैं आपको कि पुलिस एक्ट 1861 जब बनाया गया, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये रूल्स बनाए गए। फिर जब पुलिस ऑर्डर 2002 आया, तो इसके लिए रिक्वायर्ड थे कि नए रूल बनाए जाते, लेकिन ये रूल अभी तक नहीं बने, लिहाजा इन्हीं रूल्स से ही काम चलाया जा रहा है। ऑनर किलिंग क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, इसके बारे में आपका व्यू पॉइंट क्या है? ऑनर किलिंग को स्टडी कर लें, कैसे होती है, क्या सेक्शन ऑफ लॉ इम्पोज होते हैं। इनहेंस्ड पनिशमेंट लॉ में प्रोवाइड की गई है सेक्शन 302 पीपीसी में, वो क्या है। फिर एक ब्लास्फेमी के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हो सकती है, कि इनके ऊपर जो लोगों को मारने का एक है, मॉब लिंचिंग है, जो वाकयात हुए हैं माशरे में, जो इंटॉलरेंस है, इस हवाले से डिबेट हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद पुलिसिंग के अलावा जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो पुलिसिंग के अलावा जो क्वेश्चन, जनरल नॉलेज क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं, या आप कह दें टोकन क्वेश्चन कह सकते हैं, ये हमने लेक्चर नंबर 62 में एक्सप्लेन कर दिया है, आई वुड नॉट रिपीट इट। ओपिनियन क्वेश्चन, इसके लिए भी आप लेक्चर नंबर 62 देखेंगे। ग्लोबल अफेयर्स, नेशनल इश्यूज, इकोनॉमी क्वेश्चंस, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, हाँ एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जनरल नॉलेज जो पाकिस्तान के ज्योग्राफी के मुतलका है, ये आप देख लें। पाकिस्तान अफेयर्स, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे पहले लेक्चर नंबर 62 में। फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चन जो आते हैं,
इसके लिए आपको पिछला लेक्चर लेक्चर नंबर 83 देखना चाहिए कि आप अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कैसे तैयार करें, अपना प्रोफार्मा को कैसे तैयार करना है आपने, ये चीज भी मैं पहले कह चुका हूं। फिर एक हफ्ते का जो न्यूज़पेपर है, अगर आपका इंटरव्यू आज है तो इससे पहले 7 दिनों की डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं उनको जरूर देखें। 7 डे न्यूज़पेपर क्वेश्चन, 7 दिनों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री क्या है, उससे मुतलका चीज़ें पीछे क्या चली हुई हैं, मतलब इन 7 दिनों में जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं पिछले एक हफ्ते में, लेट से अगर आपका इंटरव्यू कल है तो कल से पीछे चले जाएं, 7 दिन पीछे कर लें, 7 दिनों में जो न्यूज़पेपर पे चीज़ें आती रही हैं उनको आप तैयार कर लें, उनके हवाले से किसी भी एंगल से क्वेश्चन आपसे हो सकता है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यूर सेल्फ, हर इंसान का अपना एक बेस्ट वर्जन होता है। देखिए, आप दूसरे इंसान नहीं बन सकते, आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें। आपका जो भी नाम है, जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी जेनेटिक कोड है, उसी के अंदर रहते हुए अपने आप को बेस्ट बनाएं। तो आपका अपना एक बेस्ट वर्जन होता है, तो वो आप हो सकते हैं। आप किसी दूसरे इंसान की तरह नहीं हो सकते, लेकिन आप अपना बेस्ट वर्जन होने की कोशिश करें। पुलिसिंग के हवाले से एक टिप ये है कि आप किसी भी नियर बाई पुलिस स्टेशन पे जाएं, वहां पे जाके फ्रंट डेस्क को देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ आईटी, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, क्या क्या इनोवेशन हुई हैं। खिदमत मरकज को, करीबी खिदमत मरकज को विजिट करें और वहां पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनके नोट्स लें कि क्या क्या चीजें, क्या क्या सर्विसेज वहां पे मिल रही हैं। गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम योर डिजायर टू अचीव योर गोल, किल द फियर ऑफ फेलियर। देखें, आप खौफ के तहत ना जाएं कभी भी इंटरव्यू रूम में। हमेशा आपकी जो इंस्पिरेशन है वो आपकी सक्सेस की डिजायर से होनी चाहिए कि आपने कामयाब होना है। नाकामी की खौफ से इंस्पिरेशन ना लें, हमेशा पॉजिटिव इंस्पिरेशन होनी चाहिए। कामयाबी का जो ख्वाहिश है वो आपको ड्राइव कर रही है, नाकामी के खौफ में नहीं आना आपने। एक्ट लाइक द पर्सनैलिटी यू वांट टू बी, जिस तरह की पर्सनैलिटी इंटरव्यू पैनल को पसंद है वो आपको पता ही है, काम, कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, प्लेजेंट एंड नॉलेजेबल, यही पर्सनैलिटी आपने अपनी बनानी है। और सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, एक ओवरऑल लाइफस्टाइल आपने ऐसा बना लें कि आपको वहां पे नेचुरल लाइफस्टाइल में भी जाएं तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव लगे। बहुत शुक्रिया, होपफुली दिस लेक्चर वुड हेल्प यू इन योर गोल। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।